स्वामी नारायण आरे संवंत 1876 ना माक्षरवदी पड़वाने दिवस रात्रि ने समय श्रीजी महाराज श्री कटरा मध्य दादा खाचरना दरबार मा श्री वासुदेव नारायण ना मंदिर ने समीपे लिमड़ा ना वृक्ष नी हेठे ओटा ऊपर ढोलियो ढड़ावी ने विराजमान हता। अने रातो सुरवाल पहर्यो हतो, अने राती डगली पहरी हती, अने माथे सोनेरी शेलू बांध्यो हतो, अने कटीने विशे सोनेरी शेलू बांध्यो हतो, अने कंठने विशे मोतीनी माळाओ पहरी हती, अने पागने विशे मोतीना तोरा लटकता मूक्या हता, अने पोताना मुखार विंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज ने नित्यानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे, देह देह प्रत्ये जीव एक छे के अनेक छे? अने जो एक कहशो तो वड पीमपर आदिक जे वृक्ष छे तेनी डाळखीओ कापीने बीजे ठेकाणे रोपे छे त्यारे तेवोने तेवो ज वृक्ष थाय छे। ए ते एक जीव बे प्रकारे थयो के बीजे जीवे प्रवेश कर्यो? अने कहशो जे ए तो एनो ए जीव छे तो जीव तो अखंड छे अने अच्युत छे, ते कपाणो केम? त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे, ल्यो एनो उत्तर करिए जे, श्री कृष्ण भगवान छे तेनी पुरुष अने प्रकृति ए बे शक्तिओ छे, ते जगतनी उत्पत्ति स्थिति अने प्रलय तेनु कारण छे। ते पुरुष ने प्रकृति रूप जे पोतानी बे शक्तिओ तेनु ग्रहण करीने पोते विराट रूप ने धारता हवा, अने विराट रूप जे ए भगवान ते प्रथम ब्रह्म कल्पने विषे तो पोताना अंग थकी ब्रह्मादिक स्तंभ पर्यंत समग्र जीव ने सृजता हवा, अने पाद्म कल्पने विषे तो ए भगवान ब्रह्मा रूपे करीने मरीच्यादिक ने सृजता हवा, अने कश्यप अने दक्ष रूपे करीने देव दैत्य मनुष्य अने पशु पक्ष्यादिक समग्र स्थावर जंगम जे जीव तेने सृजता हवा। एवा जे श्री कृष्ण भगवान ते पुरुष प्रकृति रूप जे पोतानी शक्ति तेने सहित थका जीव जीव प्रत्ये अंतर्यामी रूपे रहा छे, अने जे जीवे जेवा कर्म कर्या छे ते जीव ने तेवा देह ने पमारे छे, अने ते जीव छे तेने पूर्व जन्म ने विषे केतला कर्म तो सत्व गुण प्रधान पणे करीने कर्या छे, अने केतला कर्म तो रजो गुण प्रधान पणे करीने कर्या छे, अने केतला कर्म तो तमो गुण प्रधान पणे करीने कर्या छे। ते कर्म ने अनुसारे ए जीव ने भगवान जे ते उद्विज जातिना जे दे, जरायुज जातिना जे दे, स्वेदज जातिना जे दे अने अंडज जातिना जे दे तेने पमारे छे, अने सुख दुख रूप जे कर्मना फल तेने पमारे छे, अने ते जीवना कर्मने अनुसारे तेना दे थकी बीजा देने सृजे छे। जेम कश्यपादिक प्रजापतिना दे थकी अनेक जातिना देने सृजता हवा, तेम एना ए भगवान अंतर्यामी रूपे करीने समग्र जीव जीव प्रत्ये रहया थका। जे दे थकी जेम उपजानी रीति होय तेम बीजा देहने उपजावे छे, पण जे जीव थकी बीजा देहने उपजावे छे ते जीवज अनेक रूपे थाय एम नथी। ए तो जे जीव ने जेना दे थकी उपजानो कर्म संबंध प्राप्त थयो होय ते जीव ने ते द्वारा ए उपजावे छे। इति वचनामृतम्। एवी रीते
गढ़ा प्रथम प्रकरण 13 वचनामृत थयो।